गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा और एक बात और अपने दुख से तो हर कोई रो लेता है जिस दिन परहित का परोपकार का विचार करते हुए आपके नेत्रों में दो अश्रु बिंदु छलक आए आप समझना आज मेरा हृदय प्रभु का भजन करने योग्य हो गया है। जिस दिन इसी प्रकार परोपकार की भावना से श्री जी के नाम का उच्चारण करते करते आपका नेत्र आपका हृदय भीग जाए समझना आज हृदय श्री जी का भजन करने योग्य हो गया है। पर आप कहीं भी खड़े हों यहीं से आरंभ करना नित्य प्रति सब सोहित सर्व का हित हो सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय दो घड़ी दो क्षण माला के कुछ मन के ये मन का स्नान है भाई और नित्य प्रति तन और मन का स्नान करके ही सेवा में जाना। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में बिठला के तुम्हें मन मंदिर में पद पंकज नाथ पखारा करूं पद पंकज नाथ पखारा करूं। अभी दो दिन पहले एक बड़े भजनानंदी संत ने मुझसे एक बात कही बोली इन्हें प्रेम से देख लो इन्हें नक्षिक निहार लो। राधा वल्लभ लाल का चित्रपट सन्मुख था बोले इन्हें प्रेम से देख लो नक्षिक निहार लो बोले इनकी पूजा इनकी सेवा तो ऐसे ही संपन्न हो जाती है। निर्मल हृदय हो नेत्रों में भाव के दो अश्रु हो मेरे राधा वल्लभ लाल की सेवा करने के लिए आपको इसके अतिरिक्त किसी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है।
निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। और फिर कोई मार्ग हम जानते भी नहीं, कोई विधि हमें आती भी नहीं। मैं राह न जानू प्रेम की, सावरिया चित चोर, सावरिया चित चोर, दो ऐसा संकेत कछु मेरा हो प्रभु। आपके नाम की, आपकी विमल कीर्ति की, आपके सुंदर सुयश की ये गंगा संतों ने बहाई है, इसी में निर्मल होकर पावन होकर आपके सन्मुख आते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ध्यान रखना भाई, ये मन का स्नान है और प्रयास यही करना कि जैसे तन को धोकर जाते हो ना सेवा में पूजा में, ऐसे मन का भी स्नान करके प्रभु के सन्मुख होना। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा, बोले देखिए महाराज जी, व्यक्ति आप ही के जैसा बनकर बैठा है और कथा भी बिल्कुल आप ही के जैसी कर रहा है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने 100 में से अभी एक ही नंबर मिला है मुझे, तो मैंने कहा इसमें रुष्ट होने की कोई बात नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं आप सब ऐसे ही गाएं, एक नहीं आप सब। मैं तो पहले से ही आपको कहता हूं, मैं तो चाहता हूं मेरा प्रत्येक श्रोता एक दिन वक्ता बन जाए, कोई ना मिले तो अपने मन को बैठकर प्रभु की कथा सुनाए। गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल।
भाई मेरे राधा वल्लभ लाल का पाठोत्सव आ रहा है, बधाई का उत्सव है, एक बार दोनों हाथ उठा के। ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधु दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव। महाराज जी, कभी मेरे पास दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं या कोई अपना भाव लिखकर भेजता है तो इतनी सुंदर और इतनी परिमार्जित भाषा होती है कुछ पत्रों की, तो मुझे लगता है इतने वर्षों में अगर आप लोग भाषा सीख गए तो भाषा के पीछे का भाव भी सीखने में देर नहीं लगेगी। देखो भाई, अकेले भजन करना एक बात है और उसके लिए उपयुक्त स्थान है, आप अपनी कुटिया में बैठकर भजन करिए, पर ये संयोग बनाया है प्रभु ने और अब धीरे धीरे वृंदावन धाम की कृपा से, इन संतों के सानिध्य की कृपा से, इन संतों की इन दिव्य वाणियों की कृपा से अब धीरे धीरे सत्संग का वास्तविक सुख मिलने लगा है। कभी मैं सोचा करता था कि एकांत का भजन श्रेष्ठ है और उसी के प्रति मेरा आग्रह था भी, अब तक भी था, अब तक भी मैं यही विचार किया करता था कि फिर कोई समय आएगा कि जब उसी प्रकार मैं एकांत में भजन करूंगा। पर विगत कुछ काल में मैं कहूंगा वृंदावन धाम की कुछ ऐसी कृपा हुई, इन संतों का कुछ ऐसा कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, अब ऐसा लगता है कि यदि ऐसा सत्संग हो तो मैं अपने जीवन के अंतिम दिन तक यही सेवा करना चाहता हूं। अब मुझे लगता है धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, बार बार वर मांगी हूं। भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, पादोदक से वै सबका हरि मंदिर जो विराजे भाल, कंठ माल तुलसी वह। और फिर कहते एक तो प्रसाद के प्रति आग्रह हो
और दूसरा कहते पादोदक सेवे सब काल। पादोदक माने श्री ठाकुर जी का चरणामृत, कह रहे पादोदक सेवे सब काल। और एक और बात मैं यहां पर कहूं, एक वैष्णव को, एक उपासक को कम से कम दिवस का आरंभ करते हुए आहार लेने से पहले सबसे पहली वस्तु जो अपनी जिह्वा पर रखनी चाहिए वो श्री ठाकुर जी का चरणामृत ही रखना चाहिए। सबसे पहली वस्तु भी श्री ठाकुर जी का चरणामृत हो, और रात को शयन में जाने से पूर्व, सोने से पूर्व भी अंतिम वस्तु जो आप अपनी जिह्वा पर रखें वो श्री ठाकुर जी का चरणामृत होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे संतों का, भक्तों का मैंने जीवन में ऐसे दर्शन किया, वो कुछ और अपने पास में रखे ना रखे पर श्री ठाकुर जी का चरणामृत सदा अपने संग रखते हैं। ये वैष्णवी सुरीति है, तभी ग्रंथकार कह रहे हैं पादोदक सेवे सबका हरि मंदिर जुबिराजे भाल कंठ माल तुलसी रहे। मस्तक पर सुंदर हरि मंदिर हो, कंठ में सुंदर श्री तुलसी जी की माला सुशोभित हो, और करे पादोदक सेवे सब काल। यहां तो इनके कहने का तात्पर्य है कि दिन में कई कई बार श्री चरणामृत का सेवन होता रहे। पूर्व भी कभी शायद मैंने आपको कहा था कि अगर अभाव से भी लिया जाए तो चरणामृत तन मन को पवित्र करने वाला है, पर यदि चरणामृत लेते समय आपके मन में ये भाव आ जाए कि इस जल के पास प्रभु के चरण कमलों की चेतना है, ये प्रभु के चरणों का स्पर्श करके आया है, तो उस चरणामृत को ग्रहण करने का प्रभाव प्रसाद कुछ और देखेंगे आप। पश्चिम के सारे वैज्ञानिक थक कर हार गए, वो कारण नहीं खोज पाए कि भाई गंगा जल की विशेषता क्या है, क्यों गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। उन्होंने अनेक अनेक प्रयोग किए, अनेक अनेक प्रयास किए, पर शायद पश्चिम के देश अभी यहां तक नहीं पहुंचे, वो ये नहीं जान पाए कि कुछ ऐसा है जो नहीं जाना जा सकता। ये जानना भी बड़ा आवश्यक है कि कुछ ऐसा है जो नहीं जाना जा सकता, इसका केवल अनुभव किया जाता है गुरुजनों की कृपा से, जो जानने समझने का विषय नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्रयोग किए कि भाई आखिर क्या कारण है, क्यों गंगा जल कभी दूषित नहीं होता, क्यों गंगा जल कभी विकृत नहीं होता। कारण तो एक है भाई, क्योंकि गंगा जल के पास प्रभु के चरण कमलों की उस स्पर्श की मधुर स्मृति है, वो ब्रह्मद्रव है, वो चरणामृत है, उसके पास चरण कमलों का संग है, उसके पास चरण कमलों की स्मृति है, इसलिए वो कभी दूषित नहीं होता। ये जीवन रूपी धारा भी यदि इसे प्रभु के चरण कमलों का संग और स्मृति प्राप्त हो जाए तो ये जीवन धारा भी पवित्र हो जाती है। संत ऐसा ही तो होता है, मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। श्रीमद् भागवत तो कहती है तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले ही संत हैं। संत का जीवन है तीर्थ के जैसा पवित्र, तीर्थ से भी अधिक पवित्र। उसके जीवन की पवित्रता क्या है, क्यों इस दूषित संसार में रहता हुआ भी संत अछूता रहता है, दूषित नहीं होता, क्योंकि उसके पास चरण कमलों का स्मरण है, चरण कमलों की स्मृति है, भाव से उन चरण कमलों के संस्पर्श की चेतना है। जो कहते हैं ना मन मधुकर बना रहे, मन भंवरा बन के बस प्रभु के चरण कमलों से लिपटा रहे। मैं गाता हूं कई बार, मन भंवरा थारे चरण कमल से आलिपटायो जी नाथ हरी सरनी आयो जी। ये मन मधुकर बनके बस प्रभु के चरण कमलों के निकट मंडराता रहे। तो एक वैष्णव, एक उपासक अपने दिवस का आरंभ करे चरणामृत से। पहली वस्तु जो आपकी जिह्वा पर जाए वो प्रभु का चरणामृत हो। अभी मुझे शायद शंभू जी बता रहे थे, जो माताजी 3-4 दिन पहले यहाँ से पधारी, कि उन्होंने पीने के लिए शायद जल मांगा तो किसी ने चरणामृत दिया। किसने दिया? आपने दिया, आपके पास चरणामृत था, इनके पास में चरणामृत था। और जब मुझे शंभू जी ने सब बात बताई तो मैंने मन से उस माता को प्रणाम निवेदन किया, क्योंकि भाई ऐसी गति केवल संत प्राप्त करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, संत का कोई देश भेष नहीं होता भाई, संत कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, संत का तो अनुभव किया जाता है। वो माता संत ही थी, क्योंकि जो गति उसने पाई वो गति
संत को ही प्राप्त होती है। मैं तो कहता हूं कि सेवा करते हुए आप लोग यहां पर शायद ये सब क्रम बिछाने की सेवा कर रहे थे। मैं विचार कर रहा था, मैं ऐसे बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि इसे बिछाते बिछाते कुछ धूल भी उड़ी होगी। वृंदावन की रज से धूल दूसरित, वृंदावन की रज से लिपटा सना उस माता का देह, और इस बहन की कृपा से उसको चरणामृत मिला। अंतिम समय, अंतिम वस्तु जो उसकी जिह्वा पर गई वो राधा वल्लभ लाल का चरणामृत था। और मैं विचार कर रहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन अंतराम कहियावत। जन्म जन्म का जतन होता है, अनेक अनेक प्रयास के बाद भी जीव को भगवत स्मरण नहीं होता। ये धाम की कृपा कह लीजिए, सत्संग की कृपा कह लीजिए, उसका अपना भी भजन का संस्कार होगा, उसकी अपनी भी पूंजी होगी, पर इस सबके प्रसाद स्वरूप। और एक वैष्णव उपासक जिसके पास था चरणामृत, वो माध्यम बना उसकी कृपा से उस जाते हुए जीव को, इससे सुंदर संसार से प्रयाण और क्या हो सकता है। सत्संग की आशा, सत्संग में सेवा, प्रभु का चरणामृत, वृंदावन धाम, कार्तिक का मास, एकादशी की पावन तिथि, ये देव मुनि दुर्लभ गति है भाई। और कोई कष्ट नहीं पाया, और निश्चित रूप से उन्हें परम गति प्राप्त हुई। तभी व्यासपीठ से उसका स्मरण हो रहा है, तभी व्यासपीठ उनका स्मरण कर रही है। तो ये जो बात, ये जो आचरण, ये जो विधि इन संतों ने बताई, इसकी बड़ी भारी महिमा है भाई। कि उदर प्रसाद आहार ही देत, और फिर कहते हैं पादोदक से वह सबका हरि मंदिर जो बिराजे भाल, कंठ माल तुलसी वह भक्तन की निंदा नहीं करे, निंदक संग दूर परिहरे, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। इस पंक्ति पर तो हमने कल भी चर्चा की। मैं तो कहता हूं भक्त की क्या किसी की भी निंदा ना हो, किसी की भी निंदा से केवल व्यक्ति पाप का बोझ अपने सिर धरता है, पाप की गठरी भारी करता है। और केवल निंदा करना नहीं, निंदा सुनना भी, करने और सुनने दोनों से बचना है। दुर्दास जी कहते ना, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। एक और बात आपको बताऊं कि आप जिस व्यक्ति की निंदा करते हो ना, उसका मैल धोते हो और अपने हिस्से संचय करते हो। निंदा की वास्तविकता ये है। अब बहुत बार मैं ये भी देखता हूं, कुछ लोग कहते हैं भाई कहना तो नहीं चाहिए, पर कह देते हैं। जब नहीं कहना चाहिए तो क्यों कहते हैं? असल में क्या है, ये जो विषय से, वासना से विकृत मन है ना, इसे निंदा में सुख मिलता है, रस मिलता है। कानों को निंदा का रस होता है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, घंटों घंटों संसार की व्यर्थ की चर्चा के बाद कहेंगे चलो हमें क्या लेना है, सब करने के बाद बोले चलो हमको क्या करना है। ये इस व्यवहार में व्यक्ति बार बार क्यों पड़ते, क्योंकि ऐसी वृत्ति है। पर कहते साधक को इससे दूर रहने का भरसक प्रयास करना चाहिए। भक्तन की निंदा नहीं करे, निंदक संग दूर परिहरे, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। हरि सुमिरत आनंद अति होई, पुलकित तन नैनन जल सोई, ऐसे की दासी मुक्ति वरन चारते न्यारे भय, कागद हरि अपने लिख ले, जे अनन्य निज भक्त जन। कहते हरि सिमरत आनंद अति होई, पुलकित तन नैनन जल सोई, ऐसे की दासी मुक्ति। प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए, प्रभु की लीला का गान करते हुए, प्रभु की कृपा करुणा का विचार करते हुए, हृदय में आनंद हो,
तन पर पुलक हो, नेत्रों में प्रेमाश्रु हो, भर के दृगपात्र में प्रेम का जल और पद पंकज नाथ पखारा करूं। भक्तों की भावना तो ऐसी ही है, प्रभु की किसी की भी लीला का स्मरण करते हुए, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का विचार करते हुए, प्रभु के नाम का गान करते हुए, किसी संत के, किसी भक्त भागवत के मुख से, भक्त भगवान की कथा का श्रवण करते हुए, प्रभु के यश का गान करते हुए रोमावली पुलकित हो, वाणी स्खलित हो, कंठ स्वर गदगद हो जाए, तो कहने ऐसे की दासी मुक्ति, ऐसे प्रभु के जन की दासी होती है मुक्ति, उसके चरणों की दासता करती है मुक्ति। ऐसा भक्त जो भावापन्न है, जो भावना भावित है, उससे संक्रमित होती है भक्ति भावना, निस्सृत होती है उसके रोम रोम से भक्ति भावना। इसलिए भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च। कहते कंठ बोलते बोलते वाणी स्खलित हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो जाए, कभी रोए कभी हंसे। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, कभी गाए और कभी नाचे। अरे ऐसा भक्त एक मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भुवनम पुनाति। और मैं तो कभी कभी ऐसा विचार भी करता हूँ कि ऐसा दर्शन जब मैं प्रभु के इन शब्दों के अनुरूप भावना करता हूँ, वस्तुतः इस दर्शन से सुंदर इस संसार में और क्या दृश्य हो सकता है। प्रभु का कोई भक्त हो, प्रभु का गुणगान करता हो, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकते हो, उसका रोम रोम पुलकित होता हो, मुझे नहीं लगता इस समग्र अस्तित्व में इससे सुंदर कोई और दृश्य हो सकता है, इससे पवित्र कोई और दर्शन हो सकता है। ये भगवद वाक्य है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। फिर कहते हैं बरन चारते न्यारे भय, कागद हरि अपने लिख ले जे अनन्य निज भक्त जन। कह रहे ऐसा भक्त जो है वो चार वर्णों से न्यारा है, वो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, वो केवल हरि का भक्त है। भक्त के कहा जनेऊ जात, और पद्म पुराण में तो एक वाक्य आता है, बोले भक्त से भक्त की जाति पूछना ही भगवत अपराध है, पूछना ही नहीं चाहिए। भक्त के विषय में ऐसा विचार करना महापातक है। भक्त भक्त है, उसका केवल एक ही परिचय है कि वो भक्त है। हरि को भजे सो हरि का हुए, यही अंतिम सिद्धांत है। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गवार, सार भजन हरि वंश को। बरन चारते न्यारे भय, कागद हरि अपने लिख ले। वो तो प्रभु के हैं, कह रहे प्रभु ने उन्हें अपना बना लिया है, प्रभु ने अपनी ही किसी पुस्तक में उनका नाम लिख लिया है। इसलिए हमारे यहाँ साधु को कहा जाता है अच्युत गोत्रीय, अच्युत गोत्रीय। इसका गोत्र क्या है? भगवान। इसकी जाति क्या है? भगवान। इसका जाति कुल परिचय अब सब राम कृष्ण हरि से है। वर्ण चारते न्यारे भय, कागद हरि अपने लिख लए। ऐसे हमारे नागरी दास जी कहते हैं कि श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुमारी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जे अनन्य निज भक्त जन, जो यह जसनी कह कह सुने, अर्थ विचार करे ताही भक्ति उपजे घनी। और वैसे तो फल की कामना से कोई क्रिया नहीं की जाती, नहीं की जानी चाहिए, पर यहाँ तो मैं कहूँगा कि श्री चतुर्भुज दास जी महाराज इस प्रकरण की, इस वाणी की, इस चर्चा और इस चिंतन की जो महिमा बता रहे हैं, जो प्रसाद दे रहे हैं, वो प्रसाद आपको मुझे हम सबको मिले। ताही भक्ति उपजे घनी, मुरली धरन चरण व्रत जास,
सुमरै ताहीं चतुर्भुज दास, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कह रहे मुरलीधरन चरण व्रत जास, जो मुरलीधर का भजन करता है, कह रहे जो मेरे श्याम सुंदर का भजन करता है, सुमिरै ताहीं चतुर्भुज दास, मैं उसका भजन करता हूँ। भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। कभी कभी ऐसा भी जीवन में देखने में आता है, कोई रोग बड़े दीर्घ काल से परेशान कर रहा होता है, उसकी औषधि भी कहीं निकट ही होती है, पर लेकिन प्रारब्ध में होता है उस रोग जन्य पीड़ा को भोगना, और जब उस रोग से मुक्ति का समय आता है ना, तभी वो औषधि प्राप्त होती है। बहुत बार आपने ये भी अनुभव किया होगा, कोई ग्रंथ कोई वाणी आपके पास ही है, आपने कभी खोलकर भी नहीं देखा, कोई एक दिन आता है, कोई घड़ी आती है, आप ऐसे ही बस उसे खोलकर देखते हैं और आपको एक नवीन भाव मिल जाता है, आपका हृदय किसी नवीन भाव में रंग जाता है, समय आता है। ऐसे ही मैं कल विचार कर रहा था कि इस वाणी की प्राप्ति मुझे शायद 10-12 बरस पहले हुई, तब से वाणी मेरे पास है, मैं कभी कभी इसे देखता भी था, पर मुझे लगता है कि श्री जी की कृपा से समय अब आया इसकी चर्चा का, इसके चिंतन का, इससे प्रसाद हमें मिले। क्योंकि इस वाणी के, मैंने प्रथम दिन जब आरंभ किया था तो आपको मैंने निवेदन किया था, इस वाणी के कथन श्रवण चिंतन का केवल एक ही फल है, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप, विमल भक्ति, विशुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्किंचना भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति को पुष्ट करने वाली ये वाणी है, भाव का पोषण करने वाली वाणी, अद्भुत वाणी है ये, अद्भुत चिंतन आपके मेरे पास में है, बस श्री जी की कृपा अब हुई, समय अब आया आपके मेरे लिए कि इस ग्रंथ की छाया में बैठकर हमको ये सुंदर सुमधुर, हृदय को विगलित कर देने वाले ये भाव प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुए। क्यों महिमा है इस भक्ति की, श्री गोस्वामी जी मानस में एक छोटी सी बात कहते, मैं कहकर वाणी को विराम दूंगा। कहते पुरुष त्याग सकी नारी ही जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर। खेरे कामिनी का त्याग तो वही पुरुष कर सकता है जो विरक्त हो, धीर हो, संसार के विषय विकार में, व्यापार व्यवहार में पड़ा व्यक्ति तो इस त्याग की बात सोच भी नहीं सकता, और जो हरि के चरणों से विमुख है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता है इसकी। और फिर कहते हैं सौ मुनि ज्ञान निधान और मृग नयनी विधु मुख निरख, विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। बोले ऐसे ऐसे धीर और विरक्त मुनि भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे जीवों की तो गणना क्या है। फिर गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगारी यह रीति अनुपा, माया भगति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जानो सबको। बोले नारी जो है वो नारी के रूप पर आकर्षित नहीं होती, आकर्षण विपरीत के प्रति होता है, बोले कभी भी स्त्री स्त्री के रूप पर आकर्षित नहीं होती। और गोस्वामी जी कहते हैं बोले ये माया और ये भक्ति, कह रहे नारी वर्ग है दोनों, इसीलिए ना तो ये एक दूसरे के स्वरूप पर आकर्षित होती हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि इनमें भी यद्यपि ये दोनों ही प्रभु की हैं, पर कह रहे हैं पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, बोले क्योंकि जो माया है वो चंचला है, नटनी है, और भक्ति जो है वो पतिव्रता है और योगिनी है, इसीलिए प्रभु को भक्ति प्रिय है, और जो जन भक्ति का आश्रय लेता है बोले माया उससे भयभीत रहती है, माया से, माया के प्रहार और प्रकोप से कोई भी भयभीत रहता है और रहना चाहिए, यही डर ही डरप हरिवंश हित। पर कहते जो भगवान का भक्त है उससे माया भयभीत रहती है, इसीलिए अंत में कहते हैं सब करमत खग नायक
हे हा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाही कलेसा। बिनु हरि भजन न जाही कलेसा। इसलिए हे नाथ ये सब श्रवण करके विचार करके हम आपकी शरण में आए हैं और आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हुए आपसे ये विनती करते हैं। अब कृपाल हरि भगति पावनी देहु कृपा शिव मन भा। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। सूरदास की लाज राखियो सूरदास की लाज राखियो। अब को है रखवारी अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे आयो मैं शरण तिहारी आयो मैं शरण तिहारी रे। लाज राखो गिरधारी लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे